तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपके साथ बात करने आया हूं कुछ बेहतरीन आपकी थियरीज को लेकर के। दोस्तों, आपकी यूनिट नाइन्थ जो है, नाइन्थ यूनिट में आपने देखा कि वहां पर कुछ थियरीज आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, ये आपका एक बेहतरीन टॉपिक है जहां पर कई सारी आपकी थियरी आती हैं, जैसे कि इसके पहले की जो थियरीज नहीं, क्योंकि देखिए जो ये वीडियो है मेरा, एक कम्बाइंड है एट्थ यूनिट और नाइन्थ यूनिट को, इनमें दोनों से जो कुछ टर्म्स हैं जो थियरिस्ट ने दिया, और वो टर्म्स काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि जैसे इंटरटेक्चुअलिटी किसने दिया, तो इसीलिए उनको मैंने कलेक्ट किया है और इस वीडियो में इन वेरी शॉर्ट मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे आपको वीडियोस देता रहूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम को। और दोस्तों, आज के हम जो पहले एक थियोरिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, बेसिकली ये तो एक लिंग्विस्टिक भी है, फर्डिनेंड डी सेशर, आपके सामने स्क्रीन पर नाम दिया हुआ है फर्डिनेंड डी सेशर। दोस्तों, ये एक सीमियोटिशियन के रूप में, एक स्ट्रक्चरलिस्ट के रूप में, इनके रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फर्डिनेंड डी सेशर का। दोस्तों, सीमियोटिशियन के रूप में ये जाने जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके NTA NET एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि कौन है जो एक सीमियोटिशियन के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर दो नाम थे, इनमें से एक सेशर का था और दूसरा था चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का। दोस्तों, मैंने ये दोनों नाम दिए हैं कि ये दोनों लोग एक सीमियोटिशियन के रूप में जाने जाते हैं। फर्डिनेंड डी सेशर ने दोस्तों एक बुक, द कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, जो एक बुक थी इनकी, और उस बुक में कलेक्शन था बेसिकली, वो कलेक्शन कोई इन्होंने राइट नहीं किया था, बल्कि ये इनके लेक्चर थे जो इन्होंने दिया था। दोस्तों, इन लेक्चर्स को कलेक्ट किया गया और उसी में दोस्तों एक थियोरी निकल के बाहर आई, वो स्ट्रक्चरलिज्म की, यानी कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये थियोरी रही। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टिक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि एक लिंग्विस्टिक तो रहे ही। साथ में दोस्तों, जो इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की, तो स्ट्रक्चरलिज्म की बात में इन्होंने कई सारे पॉइंट्स को अपने स्ट्रक्चरलिज्म की थियोरी में कई सारे पॉइंट्स को बताया कि कैसे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो फंक्शन है तो कैसे काम करता है। तो दोस्तों, लैंग्वेज का जो फंक्शन है एक स्ट्रक्चरल काम करता है कि हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो किसी चीज़ उसका कोई ना कोई सिंबल होगा, उसका कोई ना कोई शाइन होगा, और हम एक सिग्निफायर के रूप में होंगे, और हम उस जो थिंग है उस थिंग के साथ या उस वस्तु के साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को जब समझ जाएंगे तो वो सिग्निफाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, इन्होंने लैंग एंड पैरोल की बात की कि जो हमारी लैंग्वेज है उसमें लैंग एंड पैरोल होता है, और ये जो लैंग एंड पैरोल क्या है दोस्तों, तो जैसे सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है तो एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है कि वी विल राइट इन दिस वे नॉट इन दैट वे, अगर ऐसे लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लैंग एंड पैरोल की बात की, तो लैंग में इन्होंने बताया कि जो सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हमारी भाषा होती है, लेकिन पैरोल में दोस्तों इन्होंने बताया कि जो पैरोल है जो हम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रामेटिकली एरर होती हैं कई बार, लेकिन हम उनको यूज करते हैं। दोस्तों, आगे मैं बात करूंगा कि इनके जो ये जो दो टर्म है, ये मैंने बताया कि सेशर के दोनों टर्म है लैंग एंड पैरोल, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और फिर इन्होंने बात किया सिग्निफाइड, सिग्निफायर, और दोस्तों एक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है शाइन। तो इन्होंने बात किया सिग्निफायर, सिग्निफाइड और साइन, ये साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं एक ये साइन बना देता हूँ। अब ये साइन है, मान लीजिए रेड लाइट है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये रेड लाइट है, यहाँ पर आप हैं, ये आप हैं मान लीजिए। अगर दोस्तों आपने इस साइन को देखा, ये लाइट देखी कि यहाँ पर ये लाइट चल रही है रेड, आप क्या हुए, आप रुक गए। तो दोस्तों, अब ये देखिए, यहाँ पर तीन प्रोसेस मैंने आपको दिखाई। तो ये साइन क्या है, तो साइन दोस्तों ये रेड लाइट है। मैं आपको बता दूं कि ये साइन क्या हुआ, ये साइन रेड लाइट हुआ। और सिग्निफायर कौन है, तो सिग्निफायर दोस्तों आप हैं, क्योंकि आप उस साइन को देख रहे हैं और अब आप समझ रहे हैं उससे, इस लाइट से संबंधित, किसको, इस लाइट से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आपने समझने की कोशिश की और आपने समझ लिया तो आपने उसको सिग्निफाई कर लिया। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से मिले, आप उसको, आपने उसको देखा, उसके उसकी कोई पहचान बता दी गई कि वो टोपी लगाए है, हैट है उसके सर में, आपने उसको देखा कि हाँ वो व्हाइट हैट पहने हुए है, तो आपने उसको देखा, तो आप क्या हैं दोस्तों, आप सिग्निफायर हैं।
और जब आपने उस व्यक्ति को पहचान लिया तो वो क्या हो गया, सिग्निफाइड हो गया। लेकिन साइन क्या था, साइन ये था कि वो व्यक्ति व्हाइट हैट पहने। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट फर्डिनेंडी सशोर ने दिया। दोस्तों एक दूसरी चीज़ आपको देखने को मिली, इनको इन्होंने और दोस्तों बताया कि सिंक्रोनी और डायक्रोनी। दोस्तों सिंक्रोनी और डायक्रोनी क्या होता है एक्चुअली में ना, कि जैसे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज विद द पासिंग ऑफ टाइम, इसका कई बार जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एज ऑफ चौसर के दौरान जो लैंग्वेज रही, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज दैट इज इन मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज की लैंग्वेज और उस टाइम की एज की लैंग्वेज में काफ़ी अंतर है। तो इसकी लैंग्वेज को जो हम स्टडी करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसी को हम सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक के रूप से जानते हैं। और एक और बात आई दोस्तों, आर्बिट्रेरीनेस। अगर जैसे हम किसी चीज़ को स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं, अगर मैं कह दूँ कि ये कहूँ मैं कि जैसे कि ये एक व्यक्ति या एक मैन है, तो मैन के एक स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। लेकिन हम ये कह देंगे कि उसके विपरीत भी तो है, जिस चीज़ को आप समझते हैं कि ये एक वेमेन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये मान लीजिए दिन है, तो अगर हम दिन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हम ये अपोजिट में देखते हैं कि हाँ रात नहीं है। तो इन चीज़ों की बात किया फर्डिनेंडी सशोर ने। दोस्तों एडवर्ड सईद की अगर हम बात करें, तो एडवर्ड सईद ने दो कॉन्सेप्ट दिए, ये है ओरिएंटलिज्म का और दूसरा है ऑक्सीडेंटलिज्म का। जो ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटलिज्म के जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है ओरिएंटलिज्म, सेम टाइटल है दोस्तों। और ये बुक 1978 दोस्तों 1978 में ये बुक दोस्तों आई। और ये ओरिएंटलिज्म की बुक जो एडवर्ड सईद की रही, तो ये 1978 में आई। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने आफ्टर जो कॉलोनियल जो एक ये कहें कि कॉलोनियल जो प्रैक्टिस रही कॉलोनाइजर्स की, उसकी स्टडी किया दोस्तों इन्होंने और उस इफेक्ट को दिखाया मॉडर्न वर्ल्ड पर। आगे दोस्तों देखते हैं एंटोनियो नेग्री, जो मार्क्सिस्ट क्रिटिक के रूप में काफ़ी फेमस रहे, क्योंकि मार्क्सिज्म से इन पर मार्क्सिज्म का जो प्रभाव था काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। और दोस्तों मार्क्सिस्ट के साथ साथ एंटोनियो नेग्री को हम जानते हैं थियोरी ऑफ एम्पायर की। थियोरी ऑफ एम्पायर दोस्तों दिया किसने, एंटोनियो नेग्री ने। कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एंटोनियो ग्राम्सी भी एक वर्ल्ड एक आपके क्रिटिक हैं, थियोरिस्ट हैं, और दोस्तों ये एंटोनियो नेग्री भी हैं, तो कभी कंफ्यूज ना हो। और फिलॉसफी ऑफ ग्लोबलाइजेशन का टर्म भी दोस्तों एंटोनियो नेग्री ने दिया। आगे मैं बात करता हूँ क्लाउड लेविस्ट्रास की। दोस्तों क्लाउड लेविस्ट्रास जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, दोस्तों ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं क्लाउड लेविस्ट्रास। और ये स्ट्रक्चरलिज्म के लिए भी जाने जाते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उसके लिए जाने जाते हैं, कौन, क्लाउड लेविस्ट्रास। जैक्स लाका, दोस्तों सिगमंड फ्रायड के बारे में आपने सुना, सिगमंड फ्रायड के बारे में जाना क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने बात किया था इड ईगो और सुपर ईगो की, कॉन्सियस सबकॉन्सियस और अनकॉन्सियस माइंड की दोस्तों उन्होंने बात किया था सिगमंड फ्रायड ने। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम उनका बहुत बेहतरीन वर्क रहा, जहां पर उन्होंने अपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एडिपस कॉम्प्लेक्स, इन सारी चीज़ों पर बात किया। तो दोस्तों जैक्स लाका एक ये भी एक जो है साइको एनालिटिक के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। इन्होंने साइकोलॉजी की स्टडी के रूप में इन्होंने एक चाइल्ड की मिरर स्टेज के बारे में बताया। दोस्तों मिरर स्टेज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। मिरर स्टेज में दोस्तों इन्होंने बताया कि एक जो चाइल्ड होता है वो अपने को खुद का रिकॉग्निशन कैसे करता है, कि जब चाइल्ड अपने आप को किसी शीशे में देखता है और ख़ुद को पहचानने की कोशिश करता है और कहता है कि या दिस इज मी, दैट इज़ कॉल्ड मिरर स्टेज। और फिर इसके बाद द रियल स्टेज है, सिम्बॉलिक है, ग्रैप ऑफ डिजायर, द इमेजरी और स्प्लिट सब्जेक्ट, इन सारी चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, ये जो 6 कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ये पूरे कॉन्सेप्ट दोस्तों जैक्स लाका से संबंधित हैं। इनको याद कर लें, जैसे मिरर स्टेज, द रियल, सिम्बॉलिक, ग्रैप ऑफ डिजायर, इमेजरी, स्प्लिट सब्जेक्ट, इन सारे कॉन्सेप्ट को जैक्स लाका ने दिया। दोस्तों जूलिया क्रिस्तेवा पर एक क्वेश्चन बना था कि इंटरटेक्सुअलिटी जो टर्म है ये किसने दिया। तो दोस्तों इंटरटेक्सुअलिटी ये जो टर्म है ये जूलिया क्रिस्तेवा ने दिया था। और ये दोस्तों इन्होंने एक सीमियोटिक्स की भी बात की प्री मिरर स्टेज, जिसमें सीमियोटिक को इन्होंने दोस्तों कंबाइंड किया और यहाँ पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया प्री मिरर स्टेज का। और नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन की भी दोस्तों इन्होंने बात की जूलिया क्रिस्तेवा ने। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरटेक्सुअलिटी। और इंटरटेक्सुअलिटी क्या है, कि दोस्तों इंटरटेक्सुअलिटी में हम एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं।
कि कोई भी टेक्स्ट अगर लिखी जाती है, जैसे कोई भी वो टेक्स्ट हो, किसी भी टाइप की टेक्स्ट हो, अगर वो लिखी जाती है तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट जरूर मिलता है। किसी न किसी टेक्स्ट का रेफरेंस मिलेगा, किसी मिथिकल बैकग्राउंड का रेफरेंस मिलेगा, या फिर दोस्तों आपको किसी और टेक्स्ट का कोट मिल सकता है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि देखिए जो बातें होती हैं हमारी एक सीमित लेवल पर होती है, उन्हीं बातों को हम घुमा फिराकर बार बार बोलते रहते हैं, उन्हीं बातों को घुमा फिराकर फिर से ले आते हैं अपने इस लाइफ में। तो ये इंटरटेक्सुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जूलिया क्रिस्तेवा का है। स्टुअर्ट हॉल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एक यूनिट है कल्चरल स्टडीज़, और दोस्तों कल्चरल स्टडीज़ से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि मुझे पता है कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म हो या मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म हो, या फिर दोस्तों आपने स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ा होगा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ा होगा, ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये सारी रिलेटेड हैं किससे, आपकी कल्चरल स्टडीज से। और दोस्तों कल्चरल स्टडीज़ में जैसे कि क्वियर थियरी है, लेस्बियन थियरी है, गे थियरी है, मार्क्सिज्म है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल लाया गया है साथ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें कल्चर का पार्ट होती हैं। अगर आप पी के नायर ने बुक एक लिखी है दोस्तों, तो अगर उसको आप पढ़ते हैं कल्चरल स्टडीज़ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेस्ट बुक भी है। तो स्टुअर्ट हॉल दोस्तों एक जमैकन थे, और इन्होंने दोस्तों एक ब्रिटिश, ये मार्क्सिस्ट भी रहे, सोशलिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट भी रहे, क्योंकि मार्क्सिज्म का प्रभाव इन पर काफ़ी रहा स्टुअर्ट हॉल पर। दोस्तों ये कल्चरल थियरिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, और तीन लोग थे, यहाँ पर मैं तीन नाम मेंशन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कल्चरल स्टडीज़ में, या फिर दोस्तों इस पार्ट में पूछे जा सकते हैं। जैसे रिचार्ड होगार्ट, दोस्तों रिचार्ड होगार्ट एक नाम है, दूसरा है रायमंड विलियम्स, और तीसरा है दोस्तों स्टुअर्ट हॉल का इनका खुद का नाम। तो दोस्तों ये तीनों लोग दोस्तों ये ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़ में बहुत प्रोमिनेंट नाम है। जैसे रायमंड विलियम ने भी कल्चरल स्टडीज़ की बात किया था, रिचार्ड होगार्ट तो थे ही दोस्तों, और स्टुअर्ट हॉल भी इससे रिलेटेड थे, ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़ से। दोस्तों ये फाउंडर रहे न्यू लेफ्ट रिव्यू के, कौन, स्टुअर्ट हॉल दोस्तों फाउंडर थे न्यू लेफ्ट रिव्यू के, आपको याद रखना है। और जो होगार्ट में इनका इनविटेशन आया था, होगार्ट से दोस्तों इनका इनविटेशन आया कि आप आएँ और यहाँ इस पर काम करें कल्चरल स्टडीज़ में, तो सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर है दोस्तों, ये CCCS शॉर्ट में से जाना जाता है, तो ये बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में है, वहाँ से दोस्तों होगार्ट्स का इन्विटेशन आया था। किसके लिए, होगार्ट जो इनके साथ थे, ये यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि ये कौन थे, रिचार्ड होगार्ट, इनका जो है आमंत्रण आया था स्टुअर्ट हॉल के लिए कि आप आएँ और यहाँ पर हम कल्चरल स्टडीज़ पर कुछ स्टडी करेंगे। स्टीफन ग्रीनब्लैट दोस्तों एक और एक बेहतरीन नाम है एक थियोरिस्ट का, जिन्होंने दोस्तों न्यू हिस्टोरिज्म की थियोरी दी। न्यू हिस्टोरिज्म जो तो फोकस करता है कि यहाँ पर हम सोचते हैं कि मतलब एक जो ऑथर है उसका बैकग्राउंड, उसका जो सोशल बैकग्राउंड है, उसका फैमिली बैकग्राउंड है, या उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो कितना कितना हेल्पफुल है और कितना हेल्पफुल नहीं है उसके वर्क को स्टडी करने में। तो दोस्तों स्टीफन ग्रीनब्लैट न्यू हिस्टोरिज्म से रिलेटेड है, और इनका एक वर्क है शेक्सपियर एंड रेनेसा स्टडीज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका शेक्सपियर एंड रेनेसा स्टडीज। आगे दोस्तों हम बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्सी की, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी एंटोनियो एक और नाम लिया था दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया था कि इनके साथ कंफ्यूज ना हो, एंटोनियो नेग्री का नाम लिया था मैंने। दोस्तों एंटोनियो ग्राम्सी जो कल्चरल हेजेमनी के लिए जाने जाते हैं, और ये मार्क्सिस्ट एक क्रिटिक हैं, कौन, एंटोनियो ग्राम्सी। दोस्तों होमी के भाभा की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो पोस्ट कॉलोनियल थियरी है वहाँ पर होमी के भाभा के जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट्स जो एक हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट है जो होमी के भाभा ने दिया, मिमिक्री, यानी ये भी जो दोस्तों टर्म है मिमिक्री एज ए स्ट्रेटजी ऑफ कॉलोनियल सब्जेक्शन, ये भी दोस्तों होमी के भाभा का ही ये एक टर्म है जहाँ पर इन्होंने वाइडली बात किया। थर्ड स्पेस जो एडवर्ड सोजा ने दोस्तों एक टर्म दिया था, एडवर्ड सोजा थर्ड स्पेस, उस पर भी दोस्तों होमी के भाभा ने बात किया, और एम्बीवैलेंस पर भी दोस्तों बात किया होमी के भाभा ने। तो ये दोस्तों इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं होमी के भाभा से रिलेटेड, जैसे हाइब्रिडिटी, मिमिक्री और मिमिक मैन का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आया था वीएस नायपॉल के वर्क से, मिमिक मैन से दोस्तों। तो ये आगे एम्बीवेलेंस की मैंने बताया कि होमी के भाभा ने एम्बीवेलेंस की बात की, और फिर दोस्तों गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक भी दोस्तों एक फेमिनिज्म के रूप में, मार्क्सिज्म मार्क्सिस्ट जो क्रिटिक हैं या मार्क्सिज्म के रूप में दोस्तों इनकी जो थियरीज रहीं, या पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद जो किया गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक ने,
तो दोस्तों इनके कुछ टर्म है जैसे कि स्ट्रेटजिक इसेंशलिज्म, दोस्तों इन्होंने टर्म दिया, और एक दिस सबल्टरन, और इनका ऐसे है कैन सबल्टरन स्पीक। यहाँ पर दोस्तों एक ये होना चाहिए, ये मार्क लगना चाहिए, कैन सबल्टरन स्पीक, ये इनका ऐसे भी है दोस्तों। और सबल्टरन कौन है? सबल्टरन जो दोस्तों जैसे कि जो कॉलोनाइजर रहे और हमारे यहाँ पर उन्होंने कॉलोनी बनाया, तो जो यहाँ के पीपल रहे वो कौन रहे दोस्तों? सबल्टरन रहे। और इन्होंने ट्रांसलेशन किया था ऑफ ग्रामेटोलॉजी का। ये ट्रांसलेशन किसकी बुक का है दोस्तों? तो ये जैक्स डेरिडा की बुक थी जिसका नाम है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं आपसे इतनी ही बात करूंगा, अगले वीडियो में मिलूंगा मैं आपसे, फिर बातें करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों आप मुझे मैसेज करें, या फिर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स पर आप अपनी क्वेरीज को जरूर डाल दें। तो दोस्तों ठीक है, चलता हूँ, नमस्कार।